सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से हम ऑरोफार्मा स्टॉक के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग करके कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे उसके बारे में एक सिंपल स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी को मैंने खुद बैक टेस्टिंग करके बनाया है और दोस्तों बैक टेस्टिंग पे स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। दोस्तों आप ये स्ट्रैटेजी पे लाइव मार्केट में काम करने से पहले आप खुद एक बार इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझ लीजिए और एक बार बैक टेस्टिंग कीजिए। अगर बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आप लोगों को पसंद आता है तो दोस्तों कुछ दिन आप इस पे पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं और पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा उसके बाद आप ये स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में यूज करके आप रियल मनी इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हो। और देखिए दोस्तों ये स्ट्रैटेजी को मैंने बेसिकली प्राइस एक्शन का बेसिस पे बनाया है, मैंने कोई भी ऑसिलेटर या कोई भी इंडिकेटर इस पे यूज नहीं किया है और दोस्तों सिंपल ये स्टॉक का मूवमेंट के हिसाब से मैंने ये स्ट्रैटेजी को बनाया है और ये स्ट्रैटेजी एक सिंपल स्ट्रैटेजी है और बहुत अच्छा काम दे रहा है। दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से मैंने हमको स्ट्रैटेजी पे कैसे एंट्री करना है, हमारा स्टॉप लॉस टारगेट किस लेवल के आसपास रहेगा वो डिटेल्स पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप कुछ पर्सन देख के कुछ पर्सन मिस कर लोगे हो सकता है आप इस स्ट्रैटेजी का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर लिए। और दोस्तों ये वीडियो के एंड पे मैंने मेरा निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी का रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के बारे में शुरू करने से पहले मैंने आज का लाइव स्ट्रीम के बारे में आपको अपडेट दे देता हूँ। देखिए मैंने बेसिकली हर दिन रात 10 बजे या 10 बज के 30 मिनट के आसपास लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ और दोस्तों बेसिकली लाइव स्ट्रीम पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के बारे में एनालिसिस करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर और स्टॉक के ऊपर आपको एनालिसिस करके बता चुका हूँ। दोस्तों हम आज लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे, कल हम लाइव स्ट्रीम करेंगे जैसे हम हर संडे लाइव स्ट्रीम करते हैं और सेक्टर के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक जो भी एनालिसिस रहेगा हम संडे को रात 10 बजे वो लाइव स्ट्रीम पे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए अभी ऑरोफार्मा स्टॉक के ऊपर कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप इसको नोट करके रखिए। पहले मैं आपको कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट सेट करना है उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद हमको कैसे बाइंग का पोजिशन लेना है और कैसे सेलिंग का पोजीशन लेना है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में जानते हैं। देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट जानने के लिए मैंने 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं और देखिए 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैंने एटीआर वैल्यू को ऐड कर रहा हूं। देखिए मैंने यहां पे एटीआर वैल्यू को ऐड करके आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये स्टॉक के ऊपर 30 मिनट का एटीआर के हिसाब से ये जो वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 7 पॉइंट लेवल के आसपास, तो जितना भी एवरेज एटीआर का वैल्यू दिखाएगा उस पर हमको 1.5 मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप 7.18 पे 1.5 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 10.77 के आसपास आ रहा है, मतलब आप राउंड फिगर 10 पॉइंट के आसपास ले लीजिए। तो इस पर हमको 10 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रखना है और उसका डबल हमको टारगेट रख के चलना है। तो दोस्तों 1:2 रेशियो पे यहाँ पे हमको ट्रेड करना पड़ेगा। तो जो भी आप ये स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए जाओगे उसी दिन सुबह आपको ये एटीआर वैल्यू को देखना है, जितना एटीआर वैल्यू दिखाएगा ये 30 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से उसी एटीआर से 1.5 मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आएगा वो आपकी स्टॉप लॉस रहेगा। और देखिए राउंड फिगर यहाँ पे आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे और जितना स्टॉप लॉस उसका डबल आपकी टारगेट रहेगा। तो देखिए आपका जो टारगेट रहेगा 20 पॉइंट के आसपास। अभी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में पता चल गया, चलिए हमको कैसे बाइंग करना है और कैसे सेलिंग करना है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने जो 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया था वो सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए, लेकिन एंट्री करने के लिए मैंने 50 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हुए, 30 मिनट पहले ओपन कीजिए और कितना स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है वो जान लीजिए, उसके बाद आपको 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन कर रहा हूँ और अभी मैंने एटीआर वैल्यू को भी हटा दे रहा हूँ।
तो देखिए अभी हमको कैसे एंट्री करना है, बाइंग या सेलिंग का पोजीशन ले रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। ये प्योर सिंपल टेक्निक है। मार्केट का ट्रेंड जैसे जा रहा है बेसिकली प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमको एंट्री लेना है। तो ये ऑरोफार्मा स्टॉक के ऊपर अगर हमको एंट्री लेना है हमारा टाइमिंग भी करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्केट ओपन होने के बाद उसका एक घंटा या एक घंटा 15 मिनट के आसपास मैंने छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैंने ये स्ट्रैटेजी पे एंट्री लेता हूँ। तो देखिए अगर आप एक घंटा 15 मिनट देखोगे मतलब ये फिफ्थ कैंडल एंड होने तक, तो जब ये फिफ्थ कैंडल एंड हो जाएगा उसके बाद ये फास्ट कैंडल का हाई ये दोनों को आपको मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पे जो डिरेक्शन दिखा रहा है ये डाउनवर्ड डिरेक्शन दिखा रहा है, इसलिए दोस्तों ये फिफ्थ कैंडल क्लोजिंग होने के बाद आपको इसी लेवल के आसपास सेलिंग का पोजीशन लेना है। और मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट ले पे आप इस पे ट्रेड करोगे, क्योंकि अभी का एटीआर का वैल्यू के हिसाब से स्टॉप लॉस 10 पॉइंट और टारगेट 20 पॉइंट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे 615 लेवल के आसपास मतलब ये लेवल के आसपास स्टॉप लॉस आएगा और जो टारगेट आएगा 20 पॉइंट नीचे की तरफ तो 585 लेवल के आसपास टारगेट आ रहा है। तो देखिए 585 का लेवल, ये देखिए इसी दिन 585 का लेवल आया नहीं है, तो 585 का लेवल ये लेवल के आसपास आ रहा था लेकिन इसी दिन ये आया नहीं, तो हम जिस लेवल के आसपास एंट्री किए थे उसी लेवल से हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। और देखिए यहाँ पे ऑरोफार्मा स्टॉक का जो फ्यूचर का लॉट साइज है वो है 1000। तो देखिए 1000 क्वांटिटी के हिसाब से इसी दिन हमको 6 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिला, मतलब 6000 के आसपास प्रॉफिट मिल गया। तो देखिए सेम टेक्निक आप बाइंग के लिए भी यूज करोगे दोस्तों। ये लास्ट ट्रेडिंग डे का ट्रेंड के हिसाब से हम इस पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन लेके गए थे, क्योंकि देखिए ये लेवल से अगर आप देखोगे मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, तो इस स्टॉक का जो ओवरऑल प्राइस एक्शन का मूवमेंट है ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप उसका प्रीवियस डे का कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, देखिए दोस्तों प्रीवियस डे का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर आप फिफ्थ कैंडल तक देखोगे तो देखिए इसका ओवरऑल मूवमेंट ऊपर की तरफ है। तो अगर आप ये ओवरऑल मूवमेंट को देखोगे देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ अगर उसका ओवरऑल मूवमेंट जाएगा तो आप ये लेवल के आसपास बाइंग का पोजीशन बनाओगे। और देखिए 10 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब अगर आप ये लेवल के आसपास बाइंग करोगे 585 के आसपास आपकी बाइंग है तो जो स्टॉप लॉस रहेगा 575 लेवल के आसपास, जो कि ये लेवल के आसपास रहेगा, और 20 पॉइंट ऊपर की तरफ आपकी टारगेट रहेगा तो 605 लेवल के आसपास आपकी टारगेट रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो टारगेट आएगा 605 लेवल के आसपास, तो देखिए यहाँ पे ये टारगेट अचीव हो गया है। तो मैंने और एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कैसे बाइंग और सेलिंग का पोजीशन लेना है। अगर आप नॉर्मल टर्म पे देखोगे देखिए आपको बेसिकली ट्रेंड को फॉलो करना है, अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको उसी दिन बाइंग का पोजीशन बनाना है, मतलब आप बेसिकली फास्ट कैंडल और फिफ्थ कैंडल का हाई को देख सकते हो। अगर ये फास्ट कैंडल एंड फिफ्थ कैंडल का जो हाई है अगर लगभग ये सेम लेवल के आसपास रहेगा, या फास्ट कैंडल का हाई से अगर फिफ्थ कैंडल का हाई थोड़ा ऊपर पे रहेगा उसके बाद आप बाइंग का पोजीशन लोगे। अगर ये फास्ट कैंडल का हाई से ये फिफ्थ कैंडल का हाई देखिए अगर ऐसे नीचे की तरफ रहेगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। दोस्तों ये था ऑरोफार्मा स्टॉक के ऊपर एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी, और आप इस सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप मार्केट पे बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों अगर आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि निफ्टी फ्यूचर के ऊपर मैंने जो हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाया है उसका रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो चलिए दोस्तों उसका रिजल्ट के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों मैंने कंटिन्यूअसली 9 मंथ से इसी निफ्टी हेजिंग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों निफ्टी हेजिंग स्ट्रेटेजी एक सेफ स्ट्रेटेजी है, और देखिए मैंने यहाँ पे 2019 मई मंथ से इसका रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, तो ऑन एंड एवरेज स्ट्रेटेजी 11.6% के आसपास रिटर्न दिया था। दोस्तों 2020 जनवरी मंथ पे ये 10% के आसपास रिटर्न दिया है, और अभी फरवरी मंथ से जो ये कंटिन्यू चल रहा है देखिए जिस भी दिन लॉस आया है मैंने उसको रेड कलर पे मेंशन किया है, और जिस दिन प्रॉफिट आया मैंने उसको ग्रीन कलर पे मेंशन किया है। दोस्तों ये जो लॉस है और ये जो प्रॉफिट है मैंने 10 लाख कैपिटल के ऊपर ट्रेड करके शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप 1 लाख कैपिटल पे स्टार्ट कर सकते हो।
और देखिए अभी नेट नेट जो प्रॉफिट है ये 80,000 के ऊपर है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है और इस पे मैक्सिमम जब रिस्क आता है 3-5% के आसपास, जो कि बहुत रेयर सिनेरियो में आता है, लेकिन जनरल उसका रिस्क मतलब जनरल जो लॉस है 1% से कम लॉस आ रहा है और जो प्रॉफिट है 2% से लेकर 6-7% तक भी प्रॉफिट दे देता है। अगर आप मार्केट पे बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके हो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको मार्केट पे एक डिसेंट इनकम करने में मदद करेगा। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के लिए मैंने 9,999 चार्ज कर रहा हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे जानने के लिए यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है और ये चैनल आर्ट के अंदर भी मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन करके रखा है, तो ये व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मदद मिल रहा है दोस्तों ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आपकी दोस्तों के साथ मिनिमम 2-3 दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मार्केट पे बहुत लोग उनका पैसा गवा रहे हैं। अगर आप उन लोगों को ये स्ट्रैटेजी शेयर करोगे हो सकता है उन लोग मार्केट पे कुछ एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सब्सक्राइब बटन के साइड पे जो बेल आइकन है वो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैंने जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से हम रिलायंस स्टॉक के ऊपर कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे उसके बारे में एक सिंपल स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं।